बोल के राउंड से वो सारे इनके पास से मिले। तो इसमें कोई पुलिसकर्मी भी है मतलब? निश्चित तौर पे फौज का एक व्यक्ति संदिग्ध है, इनके रिश्तेदार, उनसे बातचीत होगी। पुलिस की कार्रवाई है, हमारे जो थाना प्रभारी हैं वरुण तिवारी ने एक गैंग को पकड़ा है, इनके पास से 14 अवैध हथियार मिले जिसमें 9 पिस्टल, 2 रिवॉल्वर, 3 देसी कट्टे हैं और 34 राउंड प्रतिबंधित हथियारों के राउंड्स मिले हैं जिसमें 10 से ज़्यादा AK-47 के राउंड हैं, 303 के राउंड हैं और इंसास के राउंड हैं। अभी हम इनसे पूछताछ कर रहे हैं कि ये जो प्रतिबंधित वेपन्स के राउंड हैं इनके पास से कहाँ से मिले हैं। इसमें जो अभी प्रथम दृष्टया हमारी पूछताछ में पता चला है, ये जो राउंड्स है उनमें जो अपराधी उनमें से एक के रिश्तेदार फौज में है, उनका कहना है कि वो उन्हीं से उन्होंने प्राप्त किया है। अभी हम पूछताछ कर रहे हैं, अभी हम पुलिस रिमांड पे लेंगे और उसके बाद एस्टैब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो राउंड्स हैं इनके पास कहाँ से आए हैं। लगभग 85 के करीब अवैध हथियार रतलाम पुलिस ने अभी तक पकड़ा है और लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा आरोपियों को हमने पकड़ा है जो अपराध के पॉइंट ऑफ व्यू से और हथियारों की खरीद फरोख्त की दृष्टिकोण से आर्म्स अपने पास रखे हुए थे। अभी फिलहाल हम पुलिस रिमांड पे लेंगे, पुलिस रिमांड के लेने के बाद जो हमें फैक्ट सामने आएगा वो निश्चित तौर पे पीसी करके आप सभी को हम उसका खुलासा करेंगे और बताएंगे कि कौन गैंग है जो इन्हें ये हथियार सप्लाई करती। लेकिन अभी जो इस गैंग के बारे में जो जानकारी मिली है वो खरगोन जिले के डाबरी नामक स्थान जो भगवानपुरा थाने में आता है वहाँ के सिकलीगढ़ द्वारा इनको सप्लाई की जाती है, कुछ नाम भी सामने आई है। जल्दी हमारी पुलिस वहाँ जाएगी और रेड डालेगी और जानकारी प्राप्त करेगी, जो इन्होंने जानकारी दी है वो उसको हम तस्दीक भी करेंगे कि सही जानकारी मिल रही है जी। ठीक।